हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज के इस वीडियो में आप देखने वाले हैं राम लड्डू की रेसिपी। राम लड्डू दिल्ली की हर गलियों में, हर स्टॉल पर चाट वाले आपको मिल जाएंगे। इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है और हम इसे बनाएंगे मूंग दाल से। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बनाना। उससे पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाएँ नोटिफिकेशन के लिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ ली है मूंग दाल। मूंग दाल को मैंने भिगा दिया था एक रात पहले। आप चाहें तो 5-6 घंटे पहले भिगा करके इसे बना सकते हैं। आप इसे मूंग दाल ही नहीं, उड़द दाल से भी बना सकते हैं और चने दाल से भी। तो पहले हम मूंग दाल को ग्राइंड कर लेंगे। पर जो रियल राम लड्डू बनते हैं ना, वो मूंग दाल से ही बनते हैं। पर वो तो एक तरीके से ऑप्शनल है कि अगर आपके पास घर पर मूंग दाल नहीं है तो आप उनका भी यूज़ करके बना सकते हैं। अब इसमें मैं डालूंगी कुछ मिर्च। मैंने यहाँ 4 मिर्च का यूज़ किया है, आप मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लें। कुछ अदरक के टुकड़े। अब इसे ग्राइंड कर लेते हैं। सो गाइज, मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, कुछ इस टाइप की है। अब मैं यहाँ एक बाउल लूँगी और इसमें ये मूँग दाल का पेस्ट डाल दूँगी। तो अब चलिए अपनी बाकी की जो मूँग दाल है उसे भी ग्राइंड कर लेते हैं। सो गाइस, मैंने इसे भी ग्राइंड कर लिया है और इसे भी मैं बाउल में डाल दूंगी। तो ये मैंने डाल दिया है। अभी इसे एक साइड में रखते हैं और अपना थर्ड पार्ट जो है मूंग का, उसे भी ग्राइंड कर लेते हैं। इसमें हम सिर्फ इतना ही पानी यूज़ करेंगे कि जो हमारी मूंग दाल है वो अच्छे से ग्राइंड हो जाए। तो मूंग दाल ग्राइंड हो चुकी है, इसे भी मैं उसी बाउल में डाल दूंगी। फिर इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच हींग, 1/2 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर। और अब इसे अच्छे तरीके से फेंट लेना है और इसे आपको 4-5 मिनट तक इसी तरीके से फेंटते रहना है। फेंटने से क्या होगा कि जो राम लड्डू बॉल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से फूलेंगे और हमारा बैटर भी एकदम फ्लफ़ी हो जाएगा। और एक बात का ध्यान हमें रखना है कि बैटर को एक ही डायरेक्शन में फेंटें। तो देखिए बैटर हमारा कितना ज़्यादा फ्लफ़ी हो गया है। ये रेडी है, अब इसे रख देते हैं साइड में 10 मिनट के लिए। तब तक चलिए मूली को ग्रेट कर लेते हैं। मैंने मूली को पहले छील लिया है अच्छे से। अब इसे ग्रेट कर लेंगे। तो इसे मैंने ग्रेट कर लिया है इस तरीके से। फिर मैं इसमें थोड़ा धनिया डाल दूंगी। अब इसे एक साइड में रख देते हैं। अब मैंने यहाँ एक जार लिया है, हम इसे चटनी बनाने वाले हैं। तो मैं इसमें डाल रही हूँ 6-7 मिर्च। मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अदरक के टुकड़े, धनिया, फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच जीरा, नमक स्वादानुसार और थोड़ा पानी। चलिए इसे भी से ग्राइंड कर लेते हैं। तो चटनी मेरी ग्राइंड हो चुकी है। ये चटनी मैंने राम लड्डू बॉल्स के लिए बनाया है। चटनी खाने के लिए हम आगे अलग बनाने वाले हैं। तो चलिए लाते हैं अपना बैटर। बैटर हमारा अच्छे से सेट हो चुका है। इसमें हम डालेंगे नमक। नमक बॉल्स बनाने से जस्ट पहले डालना है, नहीं तो नमक का सारा पानी छूट जाएगा और बैटर पानी पानी हो जाएगा। फिर इसमें मैंने डाला है चटनी। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और चटनी भी हम जस्ट बॉल बनाने से पहले ही डालेंगे, वरना उसमें भी नमक है तो वो भी पानी छोड़ देगा और बैटर हमारा गीला हो जाएगा। तो ये बैटर जो है वो अच्छे से मिक्स हो चुका है। मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है गैस पर और तेल मैंने गरम होने के लिए रख दिया है। अब इस तरीके से मैं स्पून के हेल्प से यहाँ पर बॉल्स बना रही हूँ। आप हाथ से भी बना सकते हैं पर स्पून से बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है, इसलिए मैं स्पून का यूज़ कर रही हूँ। इसे हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है।
और एक मिनट के बाद हम इनकी पोजीशन चेंज कर देंगे। इसे अच्छे से चला चला करके फ्राई करना है। तो देखिए इसने कैसे अपना कलर चेंज कर लिया है और ये गोल्डन ब्राउन कलर में हो गए हैं। ये फ्राई हो चुका है, इसे मैं निकाल लूंगी एक टिश्यू में। और अब अपना सेकेंड पार्ट डाल देंगे बनने के लिए। सेम तरीके से बनाना है इसे। हम जितना अच्छे से बैटर को फेटेंगे उतने अच्छे हमारे बॉल्स बनेंगे। फिर एक मिनट बाद इसकी पोजीशन चेंज कर देंगे ताकि दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाए। तो इसका भी कलर देखिए गोल्डन ब्राउन हो गया है। इसे भी मैं टिश्यू में निकाल लूँगी और इसी तरीके से बाकी के भी बना लेंगे। तो चलिए अब रेडी कर लेते हैं चटनी। तो इसमें मैंने डाला है मूली के पत्ते, सेव। हम चटनी को दोबारा इसलिए बना रहे हैं, ये मेरी फर्स्ट वाली चटनी है, हम चटनी इसलिए दोबारा बना रहे हैं क्योंकि हमें उसे बैटर में डालना था और इसे मैं सर्विंग में लूँगी। थोड़ा सा पानी डालेंगे। चलिए इसे ग्राइंड कर लेते हैं। चटनी बनकर रेडी है। इसकी कंसिस्टेंसी हमें ऐसी रखनी है और राम लड्डू बॉल्स भी बनकर रेडी हैं। तो चलिए मैं आपको इसकी सर्विंग करके दिखाती हूँ। तो ये हमारी चटनी है, इसमें मैं स्क्वीज़ कर लूँगी हाफ लेमन, थोड़ा सा पानी, क्योंकि इसकी जो चटनी होगी वो पतली ही होगी। पतली इसलिए ताकि चटनी जो है वो अच्छे से राम लड्डू में मिल जाए। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब चटनी रेडी है, इसे एक साइड में रखते हैं। फिर लेते हैं यहाँ सर्विंग ट्रे, इसमें हम राम लड्डू के पीसेस रखेंगे। अब इसके ऊपर हमें डालना है जो मूली हमने कद्दूकस की है और धनिया, इसके ऊपर से हम डालेंगे। इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अब डालना है हरी चटनी, ये हरी चटनी का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आप इसे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जितना कम या तीखा आप चाहते हैं। फिर मैंने इसके ऊपर डाला है इमली की चटनी और फिर से थोड़ा सा मूली ग्रेट किया हुआ। सो गाइस देखिए कितना टेस्टी राम लड्डू देखने से लग रहा है। नींबू मैंने थोड़ा सा साइड में रख दिया है, आप चाहें तो ऊपर से स्क्वीज़ करके खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और ये जो मैंने बनाया है राम लड्डू, ये एकदम स्ट्रीट स्टाइल बना है और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। सो बनाइए आप इसको घर पर और मुझे फीडबैक ज़रूर देना कमेंट्स में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और इसी तरीके की वंडरफुल रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।